हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोले तो BSF ग्रुप बी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2022 ये भर्ती निकल गई है। इसके बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में और सारी डिटेल्स बताने वाला हूं आप लोगों को, क्या है एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, कैसे कर सकते हैं आप अप्लाई। तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो में अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, वहां पे ये नोटिफिकेशन भी मैं आपको दे दूंगा और स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जरूर देख लेना। अन अकेडमी एक बार फिर से लेकर आ रही है NDA कॉम्बैट क्यूरेटेड बाई इंडिया टॉप एडुकेटर्स, रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹10 लाख। ये होगी कब? 17 अप्रैल को दोपहर के 12 बजे आप इसके लिए इनरोल कर सकते हो। 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मिनट्स में ये लाइव टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी। आपको इनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसके थ्रू जाना है। वहां से अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, फ्री में रजिस्टर करना है वहां पे, और उसके बाद लिंक के थ्रू इसके लिए इनरोल करना है। इनरोल करते टाइम अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है तो वहां पे मेरा कोड ABSTUDY10 डाल देना और आप उसके लिए इनरोल कर पाओगे। फ्री टेस्ट है, आप जाकर जरूर लगाना। 50 लकी पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो सेकंड चीज है स्पेशल क्लास फीचर्स। तो मैं आपको बताते रहता हूं, मेरी स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी पे डेली, लेकिन आपको मैंने बहुत कम ही बताया कि उसमें जो फीचर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आपको बता दूं, इंटरएक्टिव सेशंस होती हैं वहां पे, काफी मजा आएगा आपको अगर आप सेशन लोगे तो। उसके बाद पोल आपको मिलेंगे वहां पे, जैसे कि कोई क्वेश्चन हो गया उसमें जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पोल दिया जाता है, उस पर आप टिक करते हो और बाद में एक्सप्लेन करने के बाद एडुकेटर्स जो है रैंक भी आपको शो करते हैं और उसमें दिखाई पड़ता है आपकी रैंक क्या है, उससे आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो पता लगती है। आगे नेवर मिस अ क्लास, यानी कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, होगी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी। लेक्चर एंड नोट्स ये आपको मिलते रहते हैं, लेक्चर नोट्स जो होते हैं वो मिल जाएंगे आपको दो तरीके से। एक तो जिसपे मैंने लिख दिया सपोज क्लास में, वो सारी चीजें आपको रिटर्न में जो एडुकेटर ने लिखा है वो, और एक आप वैसे ही एकदम सही PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी। एनी टाइम एनी वेयर कहीं से भी आप कैसे भी इनरोल कर सकते हो, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, फोन होना चाहिए या लैपटॉप PC कुछ होना चाहिए, तो ये आपके लिए है। फ्री में इनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, साथ ही साथ मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू जाओ इनरोल करो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा आपको और आप एक बार जरूर सेशन लगाओ, आपको बहुत अच्छा फील होगा। पहली बार इनरोल करते टाइम ABSTUDY10 कोड जरूर डालना, पूछा जाएगा जब आपसे। तो ये रहा आपके लिए, सारी डिटेल्स मैंने बता दी, अब बात करते हैं टॉपिक पे। अब एक एक करके बात करते हैं यहां पे। सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो वैकेंसी है ये 12 अप्रैल को ही इसके लिए पोस्ट आ गई थी, मतलब अपडेट आ गई थी। अब आगे बाकी डिटेल्स क्या है वो बताता हूं। सबसे पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ग्रुप बी रिक्रूटमेंट है 2022 में, और ये एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 16 अप्रैल 2022 एक्सपेक्टेड रखी गई है अभी, ठीक है। लास्ट डेट 30 मई 2022 होगी, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म वाली, यानी आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई जब स्टार्ट हो जाएगी तभी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहो इसलिए बता रहा हूं। एप्लीकेशन फी की कर लेते हैं बात। यहां पे जनरल OBC अगर आप कैटेगरी से आते हो तो आपको ₹100 पे करने होंगे, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। पे स्केल की बात करें तो ये लेवल 6 की पे स्केल होगी। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर वर्क, उसके बाद जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, इन सभी के लिए लेवल 6 की पे रखी गई है, जो कि 35,400 से लेकर 112,400 तक रखी गई है। फॉर इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट जो होंगे उनका लेवल 7 का पे है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे 44,000 से लेकर 142,000, यानी कि 1,42,000 के आसपास। एज लिमिट की बात करें तो 18 टू 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं, टोटल पोस्ट 90 है। अब अलग अलग करके है कैटेगरीज वाइज, जनरल के लिए, OBC के लिए, SC ST, उसके बाद EWS और टोटल। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो अलग अलग वैकेंसीज कितनी है, किस कैटेगरी में कितनी है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स की। नेम ऑफ द पोस्ट, इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे टोटल पोस्ट 1 है, डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सब इंस्पेक्टर के लिए जो वर्क्स में होंगे 57 पोस्ट हैं, इसमें भी डिप्लोमा होना जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग में, और अगर आप जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर के लिए करते हो तो पास 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ आपके लिए एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करो। और बाकी इसके लिए नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो मस्ट ज्वाइन टेलीग्राम, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट है, सारी अपडेट्स भी मैं देता रहता हूं। और बाकी अगर आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हो अनअकैडमी पे तो
उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर फॉलो कर सकते हो। पहली क्लास देखोगे तो एबी स्टडी 10 कोड यूज करना है। इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।